आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टमाटर पुलाव की रेसिपी, जो आज आपके फैमिली और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे तो टमाटर पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही डिलीशियस। बिना देरी करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। टमाटो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम एक कप चावल डाल देंगे। उसके बाद हम इसे एक से दो बार अच्छे से पानी से धो कर के ले लेंगे। ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से धो कर के ले लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल गर्म होने के लिए दे देते हैं। तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सरसों के दाने डाल देंगे। इसे थोड़ा चटकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक हमने यहाँ पे मीडियम साइज का प्याज ले लिया, इसे हम डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भून लेंगे। चलाते हुए आप इसे भून लें। प्याज हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें एक बड़े साइज में प्याज ले लिया हमने, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसको मैंने लंबाई में काट के ले लिया है। इसे भी हम प्याज के साथ इसे चलाते हुए भून लेंगे। प्याज और टमाटर भून चुके हैं। अब हमने जो चावल को धो कर करके रखा हुआ था ना, उसे इसमें डाल देंगे। उसके बाद इससे प्याज और टमाटर के साथ हम चावल को भी थोड़ा भून लेंगे। 3 से 4 मिनट ही हमें इसे भुनना है। हमें ज़्यादा नहीं भुनना, बस 3 से 4 मिनट ही हमें इसे भुन लेना है। ये लीजिए, हमने इसे 3 से 4 मिनट भुन लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसे हमने 1 कप चावल लिया है तो 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 कप डाला और ये 1/2 कप से थोड़ी सी हमने ज़्यादा ले ली है। 1.5 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। 2 हरी मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा के ले लिया है। इसे भी हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे डाल करके मिला लें। कुकर का ढक्कन लगा के अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। सीटी लग चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कुकर ठंडा होने का वेट करते हैं। कुकर ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, टमाटर पुलाव कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। एक बार इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, चावल भी कितने अच्छे से पक गई है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। ये लीजिए, टमाटर पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को जरूर एक बार बना के ट्राई करें, आपके बच्चे और फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। आप इस टमाटर पुलाव की रेसिपी को जरूर एक बार बना के ट्राई करें। आप देख ही सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।